अस्सलाम वालेकुम इकरा, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? आपके पास मेरे ख्याल है माइक की ऑप्शन नहीं आ रही। मेरा ख्याल है आपका जो आप हैंड फ्री जो यूज़ कर रही हैं मोबाइल फ़ोन के साथ, उसमें ऑप्शन नहीं है, या फिर आपके मोबाइल में जो एप्लीकेशन है उसमें ऑप्शन नहीं है, इस वजह से आपकी जो ना माइक की ऑप्शन मेरे पास नज़र नहीं आ रही। जी क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही? यस सर, आ रही है। चलें ठीक है। बाकी बाकी सब लोगों को मैसेज आप ग्रुप में तो मैंने कर दी है, सेंटीमेंट कर दें आप। जी ओके सर। आपको मैं स्क्रीन नज़र आ रही होगी मेरी अपने स्क्रीन पर, स्लाइड्स नज़र आ रही हैं जी आपको? सर, चलें ठीक, जी सर। ओके। चलिए हम कंटिन्यू करते हैं। लास्ट टाइम हमने जो डिस्कस, क्योंकि ऑनलाइन होने की वजह से क्या है कि आपके लेक्चर्स का टाइम भी शॉर्ट है, और थोड़ा सा लेक्चर्स का जो हमने कोर्स वर्क है वो उसको भी जल्दी से कंप्लीट करना, क्योंकि हमारे पहले भी लेक्चर मिस हुए हैं बहुत सारे। टाइम जो है हमारा हमारा ज़ाया हुआ है ये पेंडेमिक के ऑफ होने की वजह से।
तो अब हम कंटिन्यू करेंगे। तो आप लोग जो ने क्या गूगल की क्लास ज्वाइन कर ली या DLD वाली जो मैंने आपको गूगल का क्लास कोड बताया था, मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, आपको गूगल क्लास भी दिखाता हूँ। आपको ये गूगल की क्लास नजर आ रही होगी स्क्रीन पर, इसका ये कोड है, ये सब लोग इसको नोट कर लें। मेरी आवाज आ रही है आप सबको? जी सर, सर अभी तो नहीं शो हो रही हमें, अब हो रही है। हो रही है शो आपको? हाँ। अब ये देखें, इस ये गूगल की जी क्लास का कोड सर, है, इसको भी आप लोग जो है ऐड कर लें अपने पास। जस्ट आप गूगल पर जाएं, गूगल क्लासरूम लिखें, तो वहां से आपने जाके ज्वाइन करनी है, और ज्वाइन में फिर आपसे वो ये प्लस का साइन आ रहा होगा राइट कॉर्नर पर ऊपर, तो वहां से जाके आपने इसको क्या करना है, ज्वाइन करनी है। मैं आपको वो भी डेमोन्स्ट्रेशन दिखा देता हूँ कि गूगल पे जाएंगे, गूगल क्लास रूम लिखे टाइप करेंगे, तो क्लासरूम में ये आपके पास गूगल क्लास में फर्स्ट लिंक आएगा, इसको ओपन करेंगे अपने जीमेल के अकाउंट से। ये मैंने ऑलरेडी बहुत सारी क्लासेस बनाई हैं जिसकी वजह से मुझे मेरी क्लासेस नजर आ रही हैं। आपने ये प्लस के साइन पे जाना है, या लिखा आ गया क्रिएट एंड ज्वाइन अ क्लास, आपने ज्वाइन करनी है क्लास, ज्वाइन क्लास। ज्वाइन क्लास करने के बाद जो क्लास कोड आपको नजर आ रहा है वो क्लास कोड आपने यहाँ एंटर करना है, और इसको यहाँ से ज्वाइन कर देना है, तो आप इस क्लास में ज्वाइन हो जाएंगे। इससे फायदा ये होगा कि हमारी जो कॉरस्पॉन्डिंग है वो आसान हो जाएगी, प्लस मैं जितने भी हमारे लेक्चर्स होंगे उनकी वीडियो जो है इस गूगल क्लासरूम में आपके साथ शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ मैं जाके ये MYU300J, ये आपका गूगल का क्लास क्लास कोड है, इस क्लास कोड को आपने यूज करना है। तमाम लोग इसको नोट डाउन कर लें। अब तो मैं क्या करूंगा, मैं इसी क्लास पे जाके आपके पास जब ये क्लास ऐड हो जाएगी तो इसी क्लास पे तमाम अनाउंसमेंट्स और तमाम जो आपकी वीडियोस हैं वो अपलोड करता रहूंगा डे बाय डे। इससे आपका डाटा जो है मैनेज रहेगा, आपको ढूंढनी नहीं पड़ेंगी वीडियोस, ठीक है, आसान हो जाएगा इससे। चले बैक टू अवर टॉपिक, अब हमने स्टार्ट करना है अपने डिजिटल लॉजिक डिजाइन के कंसेप्ट्स को। तो डिजिटल लॉजिक डिजाइन के कंसेप्ट से पहले हमें पता होना चाहिए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एनालॉग एंड डिजिटल क्वांटिटीज। तो एनालॉग क्वांटिटीज हमारे पास कौन सी हैं, ऐसी क्वांटिटीज, ये लास्ट टाइम हमने डिस्कस थोड़ा सा किया था इसके बारे में, लेकिन इससे हम दोबारा गो थ्रू होंगे। तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट, टेम्परेचर एंड वेलोसिटी, ये आपको पता है कि स्पीड जो है या जो आपके पास टेम्परेचर आ रहा होता है ये कंटिन्यूसली आ रहा होता है, ये टाइम के किसी भी लम्हे में ऐसा नहीं है कि इनकी वैल्यूज नहीं है, ये कॉन्टिन्यूस है। तो कंटिन्यूस वैल्यूज जो है वो हमारे पास एनालॉग वैल्यूज हैं, और एनालॉग में हमारे पास जो रीडिंग्स हैं वो इनफाइनाइट होती हैं। इनफाइनाइट कैसे होती है, डिस्क्रीट सेट ऑफ वैल्यूज इस पे हम लेते हैं, लेकिन ये हमारे पास अगर एक ग्राफ बनेगा टेम्परेचर का विद रिस्पेक्ट टू टाइम, देखें पहले घंटे में दूसरे घंटे में, ये 15 घंटों का आपके पास टेम्परेचर का एक रिकॉर्ड है 0 से लेके 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक। तो सर्दियों में देखें पहला जो हमारा दिन का घंटा है स्टार्ट होता है वो टाइम हमने स्टार्ट किया 1 से, तो ये हमारे पास टाइम की कैलकुलेशन वैल्यूज आई। तो ये हमारे पास कंटिन्यूअस सिग्नल है, तो ये हमारे पास एनालॉग सिग्नल है। अब इस एनालॉग सिग्नल पे हर पॉइंट पे कोई ना कोई वैल्यू हमारे पास मौजूद है। तो ये देखिए 7 पे, 6.5 पे भी, 6.1 पे भी, 6.11 पे भी, 6.12 पे भी, जितनी भी हम कंटिन्यूअस वैल्यूज लेना चाहें, जितनी भी डिस्क्रीट वैल्यूज लेना चाहें तो हम ले सकते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में आपको नजर आ रहा होगा कि 1 पे अगर हम ये पॉइंट लें, 2
टू पे हम ये पॉइंट लें, थ्री पे, फोर पे 7 आ रहा है, 5 पे 18 आ रहा है, 6 पे 34 आ रहा है, तो ये हमने इसकी कंटिन्यूस ग्राफ में से एक डिस्क्रीट वैल्यू ले ली है। तो ये डिस्क्रीट वैल्यूज लेके हमारा जो सिस्टम है एक आपका ट्रेंड जनरेट करेगा। तो इसका जो ग्राफ है डिजिटल रिप्रेजेंटेशन का, ये अब कंटिन्यूस वैल्यू की डिजिटल रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरह बनेगी, 1, 2, 3 और 4 पे, तो ये हमारे पास ग्राफ बनेगा। अगर इसको ये देखें तो ये आपके पास 1, 2, 4, 7, 18, 34, 25, 23, 35, ये टेम्परेचर की वैल्यूज नजर आ रही हैं आपको डिफरेंट। तो ये हमारे पास एनालॉग वैल्यू से हमने डिजिटल वैल्यू को एक्सट्रैक्ट कर लिया। अब डिजिटल वैल्यू एक पल्स होगी जो 0 से 1 तक होगी, 2 से 2 तक, 3 से 4 तक इसके वाई एक्सिस पे, 4 से 7 तक वाई एक्सिस पे, ये आपके एक्स एक्सिस पे टाइम पे। इसी तरह 5 पे 18 की एक पल्स आएगी, 6 पे 34 की ऑन की पल्स आएगी, 7 पर 25 की पल्स आएगी। तो ये पल्सेस में हमने अपने एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट कर दिया, तो डिजिटल प्रेजेंटेशन इसकी कर ली। अब ये डिजिटल प्रेजेंटेशन जो है ये अंडर सैम्पलिंग, इस अमल को जो अभी हमने अमल किया है, इस अमल को हम कहते हैं सैम्पलिंग का अमल। सैम्पलिंग करना, अपने कंटिन्यूस सिग्नल को सैम्पलिंग करके हमने एक ट्रेंड या ग्राफ जनरेट कर लिया, और इस ग्राफ को हमने अपने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पर प्लॉट कर लिया। अब ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पे प्लॉट किस तरह हो रहा है और इसके अंदर कौन कौन से हार्डवेयर रिक्वायर्ड है, ये डाटा को कैसे समझ रहा है, 3, 5, 7, 9 या 5, 10 जो वैल्यूज है वो एनालॉग की वैल्यूज हैं, वो डाटा को कैसे मिल रही हैं, तो हम इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेसिंग कर रहे हैं एनालॉग सिस्टम की, उसको डिजिटल सिस्टम में कन्वर्ट कर रहे हैं, और उसकी रिप्रेजेंटेटिंग क्वांटिटीज इन द डिजिटल सिस्टम्स कर रहे हैं। और हमने एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट कैसे होता है इसकी लॉजिक को तो अभी थोड़ी देर पहले समझा। अब आगे हम जो इसकी रिप्रेजेंटेशन है इन अ कंप्यूटर सिस्टम वो कैसे होती है वो पूरे के पूरे हम इस कोर्स में डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट जो है देखिए, रिप्रेजेंटिंग डिजिटल वैल्यूज कैसे है कि हमारे पास, अगर हम वैसे समझें तो हमारे पास ये 39 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर आ रहा हो तो वो 6.25 × 10^8 की वैल्यू क्या बनेगी, और ये वैल्यू 1 mV वैल्यू बनेगी, और 1 बनेगी, और 1 ये 39 mV में। अब ये टेम्परेचर है क्योंकि कंप्यूटर सिस्टम में हमारे वोल्टेजेस चल रहे होते हैं या करंट चल रहा होता है, उसके अंदर टेम्परेचर चल नहीं रहा होता, तो ये सेंसर की जो रीडिंग डिजिटल सिस्टम में जाएगी उसका वो कोई ना कोई खास वोल्टेज जनरेट करेगा। और एनालॉग सिग्नल में इस बात को हम प्रोग्राम करते हैं कि 39 डिग्री सेंटीग्रेड अगर उसकी वैल्यू ये बन रही है तो उसकी 39 mV की वैल्यू भी यही बने, और उस वैल्यू को वो वोल्टेजेस में कन्वर्ट करेगा, और वोल्टेज में कन्वर्ट करने के बाद आपको शो करेगा। एनी हाउ ये तो आपके इंफॉर्मेशन के लिए था कि डिजिटल एनालॉग वैल्यूज को हम डिजिटल में कन्वर्ट करके कैसे आपसे सिस्टम पे शो करते। अब ये जो है ये कोई ना कोई प्रोसेसर होगा, कोई ना कोई डिजिटल हार्डवेयर होगा जो एनालॉग वैल्यू को डिजिटल वैल्यू में कन्वर्ट करेगा। तो ऐसे हार्डवेयर को आप माइक्रो प्रोसेसर भी हो सकते हैं, हमारे जो हमारे सिस्टम या कंप्यूटर सिस्टम में लगे होते हैं जो प्रोसेस करते हैं डाटा को। अब ये डाटा को प्रोसेस किस तरह करते हैं और डाटा को समझते किस तरह है, इसको समझने के लिए हम अपने डिजिटल लॉजिक डिजाइंस का सहारा लेते हैं, और डिजिटल लॉजिक डिजाइंस को यूज करते हैं, सारी हायरार्की की यूज करते हैं। तो इस कोर्स में हम इस चीज को समझेंगे। तो 2 वोल्टेज लेवल्स है हमारे पास, एक हमारे पास 0 वोल्ट लेवल है, एक हमारे पास 1 वोल्टेज लेवल है। मतलब कंप्यूटर सिस्टम में अगर हम डिजिटल की बात करें, डिजिटल सिस्टम में, तो यहाँ 0 होगा या 1 होगा, क्योंकि कंप्यूटर सिस्टम को 0-1 की जबान से समझ आती है। तो हम अपने सिस्टम को ऑन ऑफ करके अपनी इंफॉर्मेशन समझाते हैं, अपना डाटा समझाते हैं। तो 2 स्टेट्स आपके पास आ गई, ऑन ऑफ, ब्लैक और वाइट कह लें, हॉट और कोल्ड कह लें, स्टेशनरी और मूविंग कह लें, या हरकत कर रहा होगा या मूविंग होगा या स्टेशनरी हालत में होगा, साकत हालत में होगा। तो ये एक ही बात है, 2 स्टेट्स की एग्जाम्पल दी हुई है बेसिकली, कि 2 स्टेट्स कौन सी होती है, ऑन या ऑफ, ब्लैक या वाइट। ब्लैक और व्हाइट के दरमियान भी कम्बिनेशन आते हैं, मतलब लाइट ऑफ व्हाइट जिसे हम कहते हैं, फिर इसको ब्लैक को थोड़ा सा हम अगर
कम करें ब्लैक की इंटेंसिटी को तो वो ब्राउन कलर बन जाता है, और ब्राउन की इंटेंसिटी को कम करें तो लाइट ब्राउन बन जाता है, लाइट ब्राउन की इंटेंसिटी को मजीद कम करें तो वो ऑफ वाइट बन जाता है। तो इस सूरत में टू स्टेट में हमारे पास दो ये बीच वाली स्टेट्स नहीं आएंगी, ब्लैक और वाइट की स्टेट, ऑन ऑफ की स्टेट, हॉट एंड कोल्ड की स्टेट, ये सेंटर में रहेगी स्टेट भी डिजिटल के लिए। तो बाइनरी डिजिटल को समझने के लिए जो हमारा नंबर सिस्टम है या हमारा जो कंप्यूटर है वो बाइनरी नंबर सिस्टम को समझता है, सिर्फ जो हमारे नंबर्स हैं जिस तरह हम अपने अल्फा डिजिटल्स यूज करते हैं, तो हम जो समझते हैं ह्यूमंस को जो समझ आती है वो आती है आपको डेसिमल नंबर सिस्टम, यानी कि जिसमें 0 से 9 तक के डिजिट्स जो हैं वो मौजूद होते हैं। 0 से 9 तक के डिजिट्स हैं, उससे मिलकर आपकी तमाम की तमाम काउंटिंग बनती है। जिस तरह 1 के साथ 2 लिख देंगे तो 12 हो जाएगा, 1 के साथ 3 लिख देंगे तो 13, 5 के साथ 1 लिख देंगे तो 51। तो आपका ये डेसिमल नंबर सिस्टम है जिसके अंदर टोटल डिजिट्स जो है 10 है। वो 10 डिजिट्स कौन से हैं? 0 से लेके 9 तक। इसी तरह बाइनरी नंबर सिस्टम में 2 ही डिजिट्स हैं आपके पास, वो कौन से हैं? 0 या 1। अब 0 और 1 के दरमियान आपकी जितनी भी कन्वर्जेशन है वो होनी है कंप्यूटर के साथ। अब वो बाइनरी नंबर सिस्टम जो है उनको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, बाइनरी नंबर सिस्टम होता क्या है, रिप्रेजेंटिंग मल्टीपल वैल्यूज। अब बाइनरी नंबर सिस्टम मल्टीपल वैल्यूज को कैसे रिप्रेजेंट करता है, मल्टीपल वैल्यूज कौन सी? जिसमें आपका ABC भी है अल्फाबेट्स, जिसमें आपके स्पेशल करेक्टर्स भी हैं, जिसमें आपके जो आप कंप्यूटर के अंदर एंटर कर रहे हैं जिसके अंदर आपके डिजिट्स भी हैं 51, 71। इनको आपके कंप्यूटर सिस्टम में बाइनरी नंबर सिस्टम इसकी रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है उसको हम इसमें स्टडी करेंगे। और उसके बाद कम्बिनेशन जो है आपका इनका 0 और 1 का 0 से 5 वोल्ट होता है। कंप्यूटर को सिर्फ 0 वोल्ट और 5 वोल्ट समझ आती है। 0 वोल्ट को वो कंसिडर करता है कि ये डिजिट 0 है, और 5 वोल्ट को कंसिडर करता है कि ये डिजिट 1 है। तो बाइनरी नंबर सिस्टम में 0 से 5 तक होती है। 0 वोल्ट का मतलब वोल्टेज का मतलब 1, और 5 वोल्टेज का मतलब 1, और 0 वोल्टेज का मतलब 0, सॉरी थोड़ा सा गलत हो गया, 0 वोल्टेज का मतलब 0 और 5 वोल्टेज का मतलब 1। ये कंप्यूटर बाइनरी नंबर सिस्टम की रिप्रेजेंटेशन है। और मेरिट्स ऑफ डिजिटल सिस्टम, अब डिजिटल सिस्टम को समझने का मेरिट के एफिशिएंट प्रोसेसिंग, इसको हम क्यों यूज करते हैं, इसकी प्रोसेसिंग एफिशिएंट होनी चाहिए, एंड डाटा स्टोरेज। और डाटा जितना भी आपका स्टोर होना है कंप्यूटर मेमोरी में या आपके कंप्यूटर सिस्टम्स में वो 0 और 1 की फॉर्म में स्टोर होना है, और उसको हम इसलिए डिजिटल सिस्टम में लेके आते हैं। एफिशिएंट एंड रिलायबल, ये बहुत ज़्यादा एफिशिएंट और रिलायबल है। रिलायबल ऐसे है कि इसके अंदर सिर्फ 2 स्टेट्स हैं, 0 स्टेट है या 1 स्टेट है, बीच वाली कोई स्टेट नहीं है। तो या तो वो डाटा स्टोर होगा या वो डाटा स्टोर नहीं होगा, या वो बिट्स कंप्यूटर मेमरी के अंदर बर्न होंगी या कंप्यूटर मेमरी के अंदर वो डाटा स्टोर नहीं होगा। डिटेक्शन एंड करेक्शन ऑफ एरर्स, फिर इसके अंदर हम डिटेक्शन और करेक्शन ऑफ एरर्स की है वो हमें आसानी है। अगर तो एक्स्ट्रा 1 आया है तो इसका मतलब है कि ये एरर है, अगर एक्स्ट्रा 1 नहीं आया इसका मतलब एरर नहीं है। फॉर एग्जांपल आपका जो डाटा था वो था 001, और जब आपको रिसीव हुआ डाटा या डाटा कंप्यूटर में स्टोर हुआ वो हुआ 011, इसका मतलब है कि 1 1 जो है इसके अंदर एक्स्ट्रा ऐड हो गया है, उस 1 को आपने रिमूव करना है। तो इसकी एरर डिटेक्शन भी थोड़ी सी आसान है। प्रिसाइज एंड एक्यूरेट रिप्रोडक्शन, क्योंकि इसकी इसको प्रिसाइज करना है, इसको छोटा करना आसान है, इस वजह से हम यूज़ करते हैं। इसकी एक्यूरेसी, जब एफिशिएंसी की बात की तो एफिशिएंसी में आपकी एक्यूरेसी भी आ जाती है, उसके लिए भी हम इसको यूज़ करते हैं। इट इज़ डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन, अब इसको समझना और सीखना आसान है बाइनरी नंबर सिस्टम को, इसलिए हम इस पर ज़्यादा काम करते हैं। जब आप हम इसको सीखेंगे तो आपको एहसास होगा कि 01 को समझना आसान है बनिस्बत के ऑक्टल नंबर सिस्टम और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम के। तो ऑक्यूपाई मिनिमम स्पेस 0 और 1 है, क्योंकि 1 बिट का डाटा है, 0 होगा या 1 होगा तो ये मेमोरी स्पेस भी प्रोसेसिंग में कम लेगा। इस वजह से भी हम डिजिटल सिस्टम को समझते हैं और डिजिटल सिस्टम पे कंप्यूटर सिस्टम को काम करने पर मजबूर करते हैं, समझ लें, या आप ये समझ लें कि हम काम ही इस पे ऊपर करते हैं। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, अब जितनी भी आपकी इंफॉर्मेशन है उनकी जो प्रोसेसिंग है, अब इंफॉर्मेशन के टाइप्स क्या हैं? आपकी इंफॉर्मेशन जो है जो कंप्यूटर के अंदर आप इंस्ट्रक्शंस एंटर कर रहे हैं वो बेसिकली आप कंप्यूटर सिस्टम को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं फॉर डूइंग अ स्पेसिफिक टास्क। एक स्पेसिफिक टास्क करने के लिए आप कंप्यूटर सिस्टम्स को जो डाटा एंटर कर रहे हैं या इनपुट्स दे रहे हैं तो उसकी हम बात करेंगे। तो उसमें हमारे पास नंबर्स हैं,
टेक्स्ट है, टेक्स्ट जो है आपकी ए बी सी अल्फाबेट्स हैं, स्मॉल हैं, कैपिटल हैं, उसके बाद स्पेशल करेक्टर्स हैं जिसमें आपकी स्माइलीज हैं, एट द रेट ऑफ का साइन है, एक्सक्लेमेशन साइन है, डबल कोट्स का साइन है, कॉमा है, सेमी कॉलन है। इसके बाद हमारी फार्मूला एंड इक्वेशंस हैं, जो हम इक्वेशंस बनाते हैं, मैथमेटिकल इक्वेशंस, उनको इंफॉर्मेशन एंटर करते हैं। उसके बाद ड्राइंग्स एंड पिक्चर्स हैं, हम बहुत सारी डिजाइन एंड पिक्चर्स जो हैं वो एंटर करते हैं अपने सिस्टम में, स्टोर करवाते हैं, उनके ऊपर प्रोसेसिंग करवाते हैं। इसके अलावा साउंड एंड म्यूजिक है, इवन के साउंड और म्यूजिक भी जो है, जिस तरह जो मैं आपको बात कर रहा हूँ, ये कंप्यूटर सिस्टम में माइक के से जो साउंड जा रहा है वो 0-1 की फॉर्म में जा रहा है। तो 0-1 की फॉर्म में डाटा को हम एंटर कर रहे हैं, और 0-1 की डाटा जब एंटर करेंगे तो कंप्यूटर सिस्टम उसको क्या करेगा, डिजिटल डाटा को एनालॉग वैल्यू में कन्वर्ट करेगा, और एनालॉग वैल्यू कन्वर्ट करके आपको ट्रांसमिट करेगा 0-1 की फॉर्म में, और आपका कंप्यूटर सिस्टम जो है उसको रिसीव करने के बाद डिजिटल डाटा को दोबारा एनालॉग में कन्वर्ट करेगा, और उसको आपको साउंड या म्यूजिक प्रोवाइड करेगा। तो साउंड और म्यूजिक भी जो है वो आपकी बेसिकली डिजिटल डाटा ही होता है, और डिजिटल डाटा को फिर वो एनालॉग में कन्वर्ट करके आपको उसका प्रिसाइज साउंड सुनाता है कंप्यूटर सिस्टम। तो अब ये जो डिजिटल बाइनरी नंबर सिस्टम है, बाइनरी नंबर सिस्टम की जो इम्प्लीमेंटेशन है, अब जितने भी हमारे नंबर सिस्टम्स हैं इनकी जो इम्प्लीमेंटेशन है, उसके लिए हमारे पास जो हार्डवेयर यूज होता है उसको हम कहते हैं लॉजिक गेट्स। तो अब इस कोर्स में जितना भी हार्डवेयर हमने पढ़ना है वो लॉजिक गेट्स को पढ़ना है, और लॉजिक गेट्स के टाइप्स कौन कौन सी हैं, वो एंड है, ओर है, नॉट है, नैंड है, नोर, एक्स और एक्स नोर गेट्स हैं। तो ये गेट्स जो है आपस में इंटीग्रेटेड होते हैं, जुड़े होते हैं फॉर डूइंग अ स्पेसिफिक टास्क। एक आईसी के अंदर आप देखो, देखा मैंने, हमने लास्ट टाइम भी क्लास में बात की थी इंटीग्रेटेड चिप्स की, तो उसको हम आईसी बोलते हैं, ठीक है, इंटीग्रेटेड चिप। इस आईसी में बहुत सारे गेट्स जुड़े होते हैं, एक आईसी में एक टाइप के गेट भी होते हैं, सारे गेट ही और गेट हो या नॉट गेट हो, और एक आईसी में ऐसा भी हो सकता है कि कुछ गेट नैंड हो, कुछ एंड हो, कुछ एक्सोर हो फॉर डूइंग अ स्पेसिफिक टास्क। अब ये देखें हमारे पास ये लॉजिकल गेट्स के सिंबल्स हैं, ठीक है। तो ये लॉजिकल गेट्स के सिंबल हैं, ये गेट्स कैसे काम करते हैं इनको हम डिटेल में देखेंगे। पहले सबसे पहले हमारे पास जो गेट है एंड गेट है, एंड का ये सिंबल है, दो इनपुट्स हैं एक आउटपुट है, यहाँ नंबर ऑफ इनपुट्स जो है वो इंक्रीज हो सकती हैं, जितनी नंबर ऑफ इनपुट्स इंक्रीज होंगी उतने ही नंबर ऑफ इनपुट्स के कम्बिनेशन इंक्रीज होंगे। ये अगर आपके पास दो इनपुट्स हैं तो हमारे पास बाइनरी में जो बेस सिस्टम है वो टू का होता है बाइनरी का, तो टू इनपुट है, 2 की पावर 2 हो जाएगी। अगर ये बाइनरी नंबर इसमें तीन इनपुट्स होती तो, क्योंकि इसमें 0 या 1 ही आ सकती है इनपुट, और तो कोई वैल्यू नहीं आ सकती, दो ही स्टेट आ सकती है हर इनपुट पे। इस इनपुट पे आपको जो नजर आ रही है 0 आएगी या 1 आएगी, तो इसलिए हम इसकी बेस 2 रखते हैं। इस तरह इधर भी 0 आएगी या 1 आएगी तो बेस 2, तो दो इनपुट्स हैं तो 2 रेस्ट पावर 2 हो जाएगी, तो 4 इसका आंसर आएगा 2 रेस्ट पावर 2 का, तो 4 कम्बिनेशन इसके इनपुट के बनेंगे, ठीक है। अगर यहाँ 3 होती इनपुट्स, एक और इनपुट मैं यहाँ लगा दूँ तो वो 2 रेस्ट पावर 3 हो जाएंगे, और 2 रेस्ट पावर 3 जो है वो आपका 8 होता है। तो यहाँ आपके जो इनपुट्स के कम्बिनेशन बनेंगे 0 1 1 0 0 0 1, तो वो आपके 8 कम्बिनेशंस भी टोटल बनेंगे, ठीक है। तो उन कम्बिनेशंस को हम डिटेल में देखेंगे कि वो कैसे बनते हैं। अब ये आपके पास एंड गेट, ये और गेट का सिंबल, ये नॉट गेट का सिंबल। अब एंड के आगे अगर नॉट गेट लगा दें तो वो हमारे पास ये सिंबल बनता है, उसको हम नैंड गेट कहते हैं, और के आगे अगर हम नॉट गेट लगा दें तो वो हमारा नॉर गेट बनता है, तो उसको हम नॉर गेट बोलते हैं। इसी तरह एक्सोर की इनपुट के ऊपर, दोनों इनपुट्स पे नॉर की दोनों इनपुट्स पे नॉट गेट लगा दें तो वो हमारे पास एक्सोर बन जाता है, और इसी तरह इसके आगे एक्सोर के आगे हम एक नॉट गेट लगा दें तो वो हमारा एक्स नॉर गेट बन जाता है। तो ये आपके बेसिक गेट्स हैं, ये कैसे, इनकी स्ट्रक्चर, इनकी वर्किंग क्या है, तो इनकी वर्किंग के बारे में हम पढ़ेंगे। अब ये एक नीचे ये आईसी बना हुआ है, और आईसी की तकरीबन हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 14 पिन्स है, और 14 पिन्स पे आपके आईसी के अंदर, 14 पिन वाला जो आपका आईसी है उसके अंदर 4 गेट्स हैं, और 7400 जो है वो ये फिजिकली मार्केट से अवेलेबल होता है ये आईसी, और इस आईसी में आपके पास 4 गेट्स होते हैं, और 4 गेट्स जो है वो किस लिए हैं, वो नैंड के गेट है।
इसी तरह और एंड के गेट का भी आईसी मिल जाएगा, और के गेट का आईसी मिल जाएगा, नोट के गेट्स का आईसी, तमाम गेट्स का आईसीज मार्केट में हार्डवेयर मौजूद है। इन हार्डवेयर्स को हम यूज करते हुए क्या करते हैं, अपने पास रोबोटिक्स सिस्टम जो है या ऑटोमेटिक सिस्टम जो है, ये इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, उनको बनाते हैं। तो कम्बिनेशनल सर्किट्स हम बनाएंगे इसके, कम्बिनेशंस ऑफ लॉजिक गेट्स, एडर कम्बिनेशन होंगे, एडर बनाएंगे, सबट्रैक्टर बनाएंगे। तो एडर कम्बिनेशन बेसिकली कुछ इस तरह का बनता है सर्किट, ये देखें सर्किटरी बनी है, इसकी एक दो और तीन इनपुट्स हैं, और आप देख लें नंबर ऑफ गेट्स हैं, जो तीन इनपुट्स हम एंटर करेंगे उनका सम यहाँ आएगा और सम का कैरी आगे जाएगा। ये फिजिकली हार्डवेयर है कोई एडर बनाने के लिए, कोई दो वैल्यूज को ऐड करवाने के लिए। तो ये कैसे बनता है, इसका हमने कम्बिनेशन, हम इसकी पूरी स्टडी डिटेल में करेंगे। तो फंक्शनल डिवाइसेस कौन सी हैं आपकी, जो आपके फंक्शंस परफॉर्म करती हैं, एडर्स हैं, कंपैरेटर्स हैं, इनकोडर्स हैं, डिकोडर्स हैं, मल्टीप्लेक्सर्स हैं, डीमल्टीप्लेक्सर्स हैं, ये सारे टॉपिक्स हमने, मेमोरी एलिमेंट है जो मेमोरी बनाने के लिए यूज होते हैं, करंट एंड प्रीवियस स्टेट्स हैं, फ्लिप फ्लॉप्स हैं, काउंटर रजिस्टर्स हैं, रजिस्टर्स आपने कंप्यूटर सिस्टम में देखा होगा, रैम्स के अंदर या रोम्स के अंदर रजिस्टर्स होते हैं जो मेमोरीज वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल मेमोरीज के लिए यूज करते हैं। तो उनको हम डिस्कस करेंगे और उनको हम स्टडी करेंगे इस कोर्स के अंदर, ठीक है। कम्बिनेशन लॉजिक सर्किट्स कैसे बनते हैं उसको देखेंगे, मेमोरी एलिमेंट्स कैसे बनते हैं, उनको कम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट मिलकर आपको मेमोरी बना कर देते हैं, यहाँ इनपुट करते हैं या आउटपुट आपको यहाँ से क्रिएट किया। जी जी क्या बोला आपने, किसी ने कुछ बोला? तो ये प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइसेस, हम पीएलडीज की बात करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन हार्डवेयर, कम्बिनेशन सर्किट्स की, सिक्वेंशियल सर्किट, लो चिप काउंट, लो कॉस्ट, ये सारे हमने चीजें अभी पढ़नी है। तो मेमोरीज जो है वो बनती है हमारे पास, अभी मैंने बात की रैम और रोम, रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी ऐसी मेमोरी जो कंप्यूटर सिस्टम के ऑन होने तक तो डाटा स्टोर रखती है, जैसे कंप्यूटर सिस्टम हम ऑफ करते हैं या अपने कंट्रोलर ऑफ करते हैं, तो सारे का सारा डाटा जो है उसमें से डिलीट हो जाता है। तो उसके लिए ये स्टोरेज की हम मेमोरी यूज करेंगे। और ये मेमोरीज कैसे बनती हैं, और रीड ओनली मेमोरी क्या है, ऐसी मेमोरी जिसमें एक दफा अगर डाटा स्टोर करवा दें तो ना वो कभी चेंज होता है ना ही वो डिलीट होता है। तो वो आपकी रोम होती है सिस्टम में, जब आप सिस्टम को ऑन करते हैं जो पहली सबसे स्क्रीन नजर आती है, और कुछ ऐसी बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है जो मेमोरी में लोड होती है, हवा मेमोरी कंप्यूटर सिस्टम में या आपके लैपटॉप में या आपके कंप्यूटर में, अगर कोई ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल नहीं भी है तब भी वो कुछ ना कुछ डिस्प्ले आपको स्क्रीन पे देता है अबाउट योर हार्ड अबाउट योर पीसी और लैपटॉप। तो वो जो सिस्टम इंफॉर्मेशन है वो रोम में स्टोर हुई होती है। अब वो रोम की टाइप कौन सी होती है और रैम्स की टाइप कौन सी होती है उसको हम डिटेल में देखेंगे इसके। फिर एनालॉग टू डिजिटल एंड डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर्स, अभी एनालॉग से डिजिटल और डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर्स की हमें जरूरत क्यों महसूस होती है, वो हमें जरूरत इसलिए महसूस होती है अब आवाज किसको नहीं आ रही भाई आवाज मेरी, ये ए डब्ल्यू आईज कौन है, इसको मेरी आवाज नहीं आ रही, इसने मुझे मैसेज किया है। नो सर अब आ रही है सबको आ रही मेरी आवाज, जी। ठीक है। तो अब इसका मतलब है कि उनकी साइड पे कोई इशू है, उन्होंने अपने माइक या साउंड बंद किया, उसको सेटिंग्स में जाके जिसको आवाज ना आ रही हो तो वो जूम की मीटिंग की सेटिंग्स में जाए, ऑडियो और वीडियो की सेटिंग्स में, ऑडियो की सेटिंग में जाके उसको एक चेक बॉक्स आ रहा होगा जिस पे लिखा होगा यूज सिस्टम साउंड, तो यूज सिस्टम साउंड को क्लिक करें तो वो आपको आवाज आना शुरू हो जाएगी, या यूज माइक्रोफोन साउंड तो वो आपको आवाज आना शुरू हो जाएगी। तो वो सर मैंने कर लिया, आ रही है अब। आ रही है ना, चले ठीक है। तो प्रोसेसिंग ऑफ कंटिन्यूस वैल्यूज, एनालॉग से डिजिटल करने के लिए वो कौन सी प्रोसेसिंग है जो कंटिन्यूस वैल्यूज आपके पास आ रही है उनको आपने डिजिटल में कन्वर्ट करना है। जैसा मैंने आपको बताया कि मैं जिस तरह आपसे बात कर रहा हूँ तो मेरी जो आवाज़ है ये एनालॉग सिग्नल है, एनालॉग वैल्यू है। जब ये कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जाती है आवाज़, तो कंप्यूटर सिस्टम को क्योंकि या मोबाइल सिस्टम को या आपके सिग्नल सिस्टम को क्योंकि डिजिटल डाटा समझ आता है एनालॉग समझ नहीं आता, तो आपकी डिवाइसेस क्या करती हैं इन एनालॉग वैल्यूज को डिजिटल वैल्यूज में
कन्वर्ट कर देती हैं, और उसको प्रोसेसिंग करने के बाद जब उसको ट्रांसमिट करती हैं तो ट्रांसमिट उसको वो डिजिटल डाटा में करती हैं। तो आपका जो मोबाइल फोन है या आपका जो लैपटॉप है, थ्रू इंटरनेट जो है डाटा रिसीव कर रहा है, वो डिजिटल डाटा रिसीव कर रहा है, और डिजिटल डाटा को रिसीव करने के बाद दोबारा वो कन्वर्ट कर रहा है एनालॉग में आपको समझाने के लिए। तो ये जो कन्वर्जन है एनालॉग टू डिजिटल और डिजिटल टू एनालॉग, ये किस तरह पॉसिबल होती है, ये कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो ये हम इसको इसकी भी स्टडी करेंगे। इसका इंडस्ट्रियल कंट्रोल एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा काम है ट्रांसमिटिंग और रिसीविंग के लिए। तो ये देखें, एक डिजिटल कंट्रोलर है जिसके अंदर एनालॉग वैल्यू आ रही है, थर्मोकपल होता है बेसिकली, यहाँ शो किया हुआ है ये रिएक्शन वेजल दिखाया हुआ है, हीट कंट्रोल दिखाया हुआ है। रिएक्शन वेजल क्या होता है कि ये एक आप समझ लें चैम्बर है जिसके अंदर आप कोई चीज़ गर्म कर रहे हैं, और वो चीज़ गर्म खास टेम्परेचर पे कर रहे हैं, आप इसे गीजर ही समझ लें। तो गीजर के अंदर एक थर्मोकपल लगा होता है जो ये डिजिटल डाटा अब आप कंप्यूटर पे रीड कर रहे हैं, अपने गीजर जो गर्म पानी करने वाला गीजर है इसमें पानी है, और पानी का आप यहाँ हीटर कंट्रोलर लगाया हुआ है, आपने हीटर ऑन हो गया, थर्मोकपल ने टेम्परेचर भेजा कि अभी जो पानी का टेम्परेचर है वो 40 या 50 डिग्री सेंटीग्रेड है, और आपने सेट जो कंट्रोलर में किया हुआ है टेम्परेचर, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, कंट्रोलर में आपने जो टेम्परेचर सेट किया है वो आपने सेट किया है कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पानी का टेम्परेचर हो जाए तब तक ये हीटर चलता रहे। ये फीडबैक सिस्टम होता है बेसिकली, ये इंडस्ट्रियल सिस्टम की एक एग्जाम्पल है कि मैंने एक हीटर को ऑन रखना चाहता हूँ, या मैं यहाँ चूल्हा जो है ये पानी के नीचे ऑन रखना चाहता हूँ, कब तक, जब तक ये पानी का जो टेम्परेचर है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे नहीं पहुँच जाता। ये मैंने इसके कंट्रोलर के अंदर सेट पॉइंट दिया हुआ है 100 डिग्री सेंटीग्रेड का। तो अगर आप प्रोग्रामिंग के एस्पेक्ट से देखें तो मैंने यहाँ लिखा इफ टेम्परेचर इज लेस देन 100 डिग्री सेंटीग्रेड तब तक ये जो आपका हीटर है ये चलता रहे। तो ये जो टेम्परेचर की वैल्यू है ये एनालॉग वैल्यू है, ये थर्मोकपल से एनालॉग वैल्यू जाएगी ए टू डी में, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर में, यहाँ से एनालॉग वैल्यू डिजिटल में कन्वर्ट होंगी, और डिजिटल वैल्यू जाएगी कंट्रोलर में, और कंट्रोलर उसको पढ़ेगा और आउटपुट भेजेगा डिजिटल, और डिजिटल से यहाँ जाएगी एनालॉग पे कि जी यहाँ जो डिजिटल वैल्यूज हैं वो इतने टेम्परेचर तक इसको चला के रखो, तो ये चलता रहेगा। ठीक है, तो यह तब तक ये वैल्व जो है यहाँ कंट्रोल रहेगा, हीटिंग हीट कंट्रोल रहेगी, हीट ज़्यादा करनी है कम करनी है ये कंट्रोलर उसको कन्वर्ट करता रहेगा एनालॉग से डिजिटल और डिजिटल से एनालॉग, क्योंकि इस सिस्टम को एनालॉग समझ आती है ना, और इसे एनालॉग कन्वर्ट करेगा। तो समरी क्या है, कंटिन्यूस सिग्नल है आपका, वो कंटिन्यूस सिग्नल आपको इसको कहते हैं एनालॉग सिग्नल को, और इसको आप कहते हैं डिजिटल प्रेजेंटेशन। तो ये तो हमने बात की कि हमने अपने कोर्स में पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, तो कम्बिनेशनल है, सीक्वेंस सर्किट्स को पढ़ना है, प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइसेस को पढ़ना है, ये प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइस है आपकी PLDs, जिसको हम प्रोग्रामेबल, इसमें प्रोग्राम होगा ना कोई ना कोई, और जो इसको पूरे के पूरे सिस्टम को कंट्रोल कर रहा है, तो ये आपकी इसको हम पढ़ेंगे, मेमोरी को, रैम और रोम को पढ़ेंगे कि रैम और रोम जो है हमारी कैसे काम करती है, एनालॉग से डिजिटल और डिजिटल से एनालॉग कन्वर्जन कैसे होती है। इस पूरे कोर्स में बेसिकली हमारा स्पेसिफिक टास्क है नंबर सिस्टम्स। तो सबसे पहले अब ये जो हार्डवेयर हमने जितने ही पढ़ा है, गेट्स वगैरह ये भी है, ये 0-1 की फॉर्म को समझते हैं। तो हमारे पास नंबर सिस्टम्स कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले जो नंबर सिस्टम जो ह्यूमंस को समझ आता है वो हमारे पास है डेसिमल नंबर सिस्टम। तो अगर आप यहाँ स्लाइड्स की नीचे देखेंगे तो यहाँ इसकी डिस्क्रिप्शन भी लिखी हुई है, जो हम बात कर रहे हैं वो सारी डिस्क्रिप्शन यहाँ हमने लिखी हुई है, इसको भी आप पढ़ सकते हैं अपनी समझने के लिए। एक हमारे पास नंबर सिस्टम, अब टोटल नंबर सिस्टम कौन से हैं, डेसिमल नंबर सिस्टम, केवमैन नंबर सिस्टम, केवमैन नंबर सिस्टम जो अर्ली डेज में जब इंसान ने इतनी तरक्की नहीं की थी तो कौन सा नंबर सिस्टम यूज़ होता था। आप इंग्लिश मूवीज़ में भी देखते हैं कि वो दीवार के ऊपर कैदी जो है या वो जो प्रिजनर्स जो है वो दीवार के ऊपर एलिमेंट्स यूज़ कर रहे होते हैं, जिसमें एक लाइन का मतलब 1 है, 4 लाइन्स का मतलब 4 है, और 4 के ऊपर अगर आप एक क्रॉस लगा दें तो उसका मतलब है कि वो 5 है। तो ये केवमैन नंबर सिस्टम था, वो नंबर सिस्टम हमारे हमारे अब नंबर सिस्टम में कहीं यूज़ नहीं होता, लेकिन उसका सिर्फ जिक्र इसलिए किया ताकि आपको पता हो कि वो भी एक नंबर सिस्टम। तो डेसिमल नंबर सिस्टम वो सिस्टम जो 0 से 10 तक की काउंटिंग आपको समझ आती है, 0 से 9 तक की, और जो आप यूज़ करते हैं ओवर द पेपर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के लिए, मैथमेटिक्स को सॉल्व करने के लिए। उसके बाद हमारे पास है बाइनरी नंबर सिस्टम। तो बाइनरी नंबर सिस्टम वो नंबर सिस्टम जिसमें सिर्फ 2 डिजिट्स हैं, 0 और 1, ऑन एंड ऑफ। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम
ऐसा नंबर सिस्टम जो कंप्यूटर को समझ आता है, और उसके अंदर जो अर्ली जो हमारे लेटेस्ट जनरेशन कंप्यूटर्स हैं उनको हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम्स भी समझ आते हैं, ये हम ज़्यादा यूज़ करते हैं कलर कोडिंग्स के लिए। अल्टीमेटली हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम भी कन्वर्ट होते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम में जब हम उसकी हम प्रोसेसिंग करते हैं, और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में 0 से लेके 15 तक मतलब 16 डिजिट्स होते हैं, लेकिन 9 के बाद 10 के लिए इसके अंदर ए यूज़ होता है, और 11 के लिए बी, और अप टू सो ऑन 15 तक एफ। मतलब 10 के लिए ए, 11 के लिए बी, 12 के लिए सी, 13 के लिए डी, 14 के लिए ई, और 15 के लिए एफ। तो आपने बहुत सारे कलर कोड्स देखे होंगे, तो कलर कोड्स में वो आपको एफ ए बी सी डी शो कर रहा होता है। मेरी कंप्यूटर की स्क्रीन आपको नज़र आ रही होगी, इसमें मैं आपको कलर कोडिंग्स दिखाने की कोशिश करता हूँ, अगर कलर कोड्स मुझे यहाँ कहीं नज़र आ जाए। ये विंडोज, इस विंडोज में नहीं है, वैसे वो कलर कोड्स होते हैं, मैं यहाँ से आपको दिखाता हूँ। ये देखें, अभी देखें ये कलर डेसिमल में आ रहा है, आपको मेरी स्क्रीन नजर आ रही है स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स आपको मेरी स्क्रीन नजर आ रही है? यस सर, आ रही है। अच्छा, तो ये देखें आपके ये जो कलर्स हैं, आप कलर की सिलेक्शन करने लगे, तो ये आपने कलर आप यहाँ से चूज करना है अपनी डिजाइनिंग के लिए। तो अब ये आप यहाँ से ग्रीन के शेड में आना चाहते हैं या येलो के शेड में आना चाहते हैं, ये आपने येलो और ऑरेंज के दरम्यान में कर लिया, और आपने शेड जो है ये आपको शेड नजर आ रहा है, ये एक वेब एप्लीकेशन है जो कलर्स के कोड बता रही है। तो ये देखें E5E117, इसका मतलब है ये जो ये हैश का साइन जो होता है इसका मतलब ये हैग्स में शो कर रहा है, तो ये हैग्स वैल्यू शो कर रहा है। ई का मतलब ये है कि मैंने अभी आपको बताया कि इसका मतलब क्या होगा, 14, ई का मतलब 14 है, 14 5 14 117, इसका ये मतलब है। तो ये एक डिजिट में हेक्सा जो है आपका, ये आपने पिक कर लिया। अब आपने कहीं भी कंप्यूटर सिस्टम में, मैंने आपको बताया कि कलर्स के लिए हेक्स सिस्टम यूज होता है, इसलिए स्क्रीन के लिए भी हेक्सा नंबर से ये ऊपर लिखा भी हुआ है, हेक्स वैल्यू जो है वो है ये, इसकी आरजीबी जो रेड ग्रीन ब्लू की वैल्यू है वो डेसिमल में ये है, ठीक है, और परसेंटेज में वो ये। तो ये हमारे पास इस तरह हम नंबर सिस्टम्स को पढ़ने, इसीलिए हम नंबर सिस्टम को सीखते हैं। तो अब ऑक्टल नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम का यूज़ तो बहुत कम है, लेकिन वहाँ यूज़ होता है जहाँ आप असेंबली लैंग्वेज पढ़ेंगे, आगे जाके कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर पढ़ेंगे, उसके अंदर आप देखेंगे कि जो हमारे पास रजिस्टर्स हैं वो 16 बिट के होते हैं, हेक्सा वैल्यू के होते हैं टोटल, लेकिन जब हम उनको हाफ करके यूज़ करना चाहें अपनी मेमोरी यूटिलाइजेशन के लिए, तो वहाँ हमारे पास ऑक्टल नंबर सिस्टम की बात आती है। ऑक्टल का मतलब होता है 8, 8, और 8 का मतलब यह है कि इस नंबर सिस्टम में हमारे पास जो डिजिट्स हैं वो सिर्फ 0 से लेके 7 तक होंगे, 8 और 9 इसमें यूज नहीं होगा, ये सिर्फ 0 से 7 तक डिजिट्स यूज होंगे। तो ये कैसे, अब डेसिमल नंबर सिस्टम, 10 यूनिक नंबर सिस्टम, 0 से 9 तक, कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिट्स, पोजिशन नंबर सिस्टम इसकी इस तरह होती है, 275, 5 जो है 10^0 से कम मल्टीप्लाई हो रहा होता है, 7 जो है वो 10^1 से मल्टीप्लाई हो रहा होता है, और 2 जो है 10^2 से मल्टीप्लाई हो रहा होता है, और इनको जब हम ऐड करते हैं तो वो हमारे पास 275 वैल्यू बनती है, ठीक है। बेस ऑफ रेडिक्स 10, इसकी जो बेस है वो 10 होती है, इसीलिए हम 10, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स 10 है हमारे पास, इसलिए हम 10 से इसको मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं, और 10 की पावर हम लेफ्ट साइड से राइट साइड से डिजिट्स को 10 से मल्टीप्लाई करना शुरू कर देते हैं, और इनको प्लस करते हैं, और वैल्यू जो है यहाँ 0 लिखेंगे 1 लिखेंगे और 2 लिखेंगे। एनी हाउ इसको हम डिटेल में भी देखेंगे कि ये कैसे नंबर सिस्टम हमारे काम कर रहे हैं। इसी तरह बाइनरी है, बाइनरी में हमारी जो बेस होती है 2 होती है, और उसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जितने भी डिजिट्स होंगे आपके पास 0 और 1 के, उसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और पावर जो है 0 1 2 से स्टार्ट करेंगे, और इसी तरह आपस में ऐड कर देंगे, जो भी वैल्यू आएगी वो हमारी डेसिमल नंबर सिस्टम की वैल्यू होगी, ठीक है। तो रिप्रेजेंटिंग फ्रैक्शंस, फ्रैक्शंस को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, फ्रैक्शंस को रिप्रेजेंट करने के लिए माइनस की वैल्यू से होती है, और ये हमारे पास फ्रैक्शंस
शो हो जाएंगी, इन फ्रैक्शंस को भी। केव मैन का वो देखें, केव मैन के सिंबल सिग्मा, डेल्टा, ग्रेटर देन, ओमेगा, एरो साइन, ये भी एक वैल्यू थी केव मैन की। और ये हमारे पास टोटल सिंबल थे, 0 से लेकर 9 तक के वो ये सिंबल्स यूज करते थे केव मैन, और डेसिमल में ये होते थे और केव मैन नंबर्स ये होते थे। तो ये कहीं यूज नहीं होते, ये आपके नॉलेज के लिए सिर्फ आपको बता रहा हूँ, केव मैन नंबर सिस्टम, तो ये कहीं यूज नहीं होंगे और ये आपके कोर्स का हिस्सा भी नहीं है, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं ये बता रहा हूँ। तो आज के लेक्चर का टाइम टाइम क्योंकि बहुत ज़्यादा शॉर्ट है, इसलिए मैं बहुत तेज जल्दी जल्दी जो है बातें चीज़ें कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो है इन चीज़ों को डिटेल में भी देखेंगे कि बाइनरी नंबर सिस्टम। अब बाइनरी नंबर सिस्टम की बात करें तो टू यूनिक नंबर्स इस सिस्टम में सिर्फ होते हैं, 0 या 1। तो इसकी बेस जो है बाइनरी नंबर सिस्टम के 2 होती है। अब बाइनरी डिजिट इज अ बिट, ये एक डिजिट जो है एक बिट को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि कंप्यूटर सिस्टम्स में जो हमारे वैल्यूज जा रही होती है मेमोरी में वो बिट्स में होती है। और इस बिट की हमने बोर्ड के ऊपर भी डिस्कस किया था लास्ट क्लास में कि जो हमारी 8 बिट्स होती हैं, 8 बिट्स, जिसको मैं इस तरह शो करूं, अगर अगर मैं इस तरह लिखूं 1 1 1, ये आपको नजर आ रहा होगा स्क्रीन पे, तो ये मेरे पास 4 बिट्स हैं। अगर मैं इसको लिखूं 1 0 0 1, ये बाइनरी का है, तो इसका मतलब है कि ये 4 बिट्स हैं। पहली बिट 1 है, ऑन है, दूसरी बिट 0 है, ऑफ है, तीसरी बिट 0 है, वो भी ऑफ है, फोर्थ बिट जो है वो 1 है और वो ऑन है। 1 रिप्रेजेंट टू ऑन 0 रिप्रेजेंट टू ऑफ। तो ये वो बात यहाँ लिखी हुई है कि अ बाइनरी डिजिट इज अ बिट। कोई भी बाइनरी डिजिट अगर हमारे पास इन आता है तो वो एज ए बिट कंसीडर किया जाएगा। और अगर इसको देखें, अगर मैं इसको इस तरह कर दूं, अब ये जो बिट है ये कितनी बिट्स है, 8 बिट है। ये 8 बिट का मतलब है कि ये 1 बाइट है हमारे पास, लेकिन बाइनरी नंबर सिस्टम में बाइट नहीं होता, ये बिट ही होता है, लेकिन मैं बाइट का समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। और आपकी 1024 बाइट्स मिलकर 1 किलोबाइट्स बनाती हैं, और 1024 किलोबाइट्स मिलकर मेगाबाइट्स, और इसी तरह 1024 मेगाबाइट्स मिलकर आपको 1 गीगाबिट बना के देते हैं, और 1024 गीगाबिट्स मिलकर आपको 1 टेराबाइट बना के देते हैं। इस तरह फिर पेंटा है, फिर टेरा पेंटा है, फिर इस तरह इसकी जो वैल्यूज है मेमोरी की वो बढ़ती रहती है। तो बाइनरी नंबर सिस्टम में आपका 0 1 2 0 से 9 तक जो डेसिमल नंबर सिस्टम है उसको बाइनरी में हम इस तरह प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। डेसिमल 10 11 10 से 19 तक जो होगा उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो बाइनरी नंबर सिस्टम, हम किसी भी नंबर सिस्टम का बाइनरी कन्वर्ट कर सकते हैं। हाउ टू कन्वर्ट अ डेसिमल इनटू बाइनरी, हाउ टू कन्वर्ट अ बाइनरी इनटू डेसिमल, इस चीज़ को हम अभी नंबर सिस्टम में स्टडी करेंगे। और हाउ टू कन्वर्ट अ बाइनरी इनटू ऑक्टल, हाउ टू कन्वर्ट अ ऑक्टल इनटू बाइनरी, हाउ टू कन्वर्ट अ डेसिमल हेक्सा इनटू बाइनरी। तो हमें एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जाने के लिए सबसे पहले डेसिमल कन्वर्जन चाहिए, ठीक है। तो जब हमने बाइनरी से ऑक्टल में जाना होगा तो पहले बाइनरी से हम डेसिमल में जाएंगे और डेसिमल से फिर ऑक्टल में चले जाएंगे। इसी तरह अगर हमने बाइनरी से हेक्सा में जाना होगा तो बाइनरी से पहले डेसिमल में आएंगे और डेसिमल से फिर हम हेक्सा में जाएंगे, या हमने हेक्सा से बाइनरी में आना होगा तो तब भी हम यही करेंगे, हेक्सा से पहले डेसिमल में आएंगे और डेसिमल से फिर बाइनरी में। तो डेसिमल नंबर सिस्टम इज अ इंटरमीडिएट नंबर सिस्टम विच आर रिप्रेजेंटिंग द होल नंबर सिस्टम्स। तो हम एक नंबर सिस्टम से दूसरे नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए हमें डेसिमल का सहारा लेना पड़ेगा। हाँ, बहुत सारे डायरेक्ट मेथड्स भी हमारे पास मौजूद हैं, लेकिन उन डायरेक्ट